हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त और साथी संजय उपाध्याय एक बार फिर हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको अपने वीडियो में पार्ट टाइम, फ्रीलांस, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में बताता हूं। और आज फिर मैं आपको एक नए वेबसाइट के बारे में जानकारी दूंगा जिस पर आप ऑनलाइन अपने लिए पार्ट टाइम, फ्रीलांस और वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ सकते हैं और एक अच्छी कमाई कर सकते। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देखकर क्लिक किया है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इसका मतलब है कि आप ऑनलाइन पार्ट टाइम, फ्रीलांस या वर्क फ्रॉम होम जॉब को ढूंढ रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बड़े रफ्तार से हो रहा है और हम इस टेक्नोलॉजी को हर फील्ड में लगा रहे हैं, अपने प्रोडक्शन में, अपने सर्विस में या किसी भी संस्थान में, क्योंकि टेक्नोलॉजी से हम पीछे नहीं रह सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमें लगानी ही पड़ेगी और लगाकर उस संस्था का, उस प्रोडक्शन का काम और क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, इनोवेशन लानी पड़ेगी। इसलिए हम हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं। अगर आप बैंक में ही देखें तो आज बैंक का सारा काम ऑटोमेटेड हो गया है। आज कई लाख बैंक खाताओं खुलने के बाद भी उतने ही स्टाफ काम कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे, कम खाताओं को मैनेज कर रहे थे, क्योंकि आज बैंक से पैसे निकालना, जमा करना, ट्रांसफर करना, एफडी बनाना सब ऑटोमेटेड हो गया है। एक कस्टमर ही ये सारा काम खुद ही कर लेता है तो फिर मैनुअल लेबर की कहां आवश्यकता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि कंपनियां भी अपने काम करने के तरीके में बहुत बदलाव ला रहे हैं, वो भी कई क्षेत्र में टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के लगते ही मैनुअल लेबर कम हो जा रहा है और आए दिन यह खबर सुनने को मिल रहा है कि लोग अपने जॉब गंवा रहे हैं, यानी कंपनियां जो हैं मैन पावर कटिंग कर रही हैं। किंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी के बदौलत जॉब्स जा रही हैं तो उसी टेक्नोलॉजी के बदौलत बहुत सारी जॉब क्रिएट भी हो रही हैं। अब जरूरत यह है कि हम इस चीज को पहचानें, अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाएं और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम को ही इस्तेमाल करके अपने लिए काम ढूंढें और अपने जीवन स्तर को इम्प्रूव करें। आजकल ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिसपे वर्ल्ड ओवर से हर तरह के काम अवेलेबल हैं। ये ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहां पे लोगों को पार्ट टाइम, फ्रीलांस एंड वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप भी इसमें चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे हाउसवाइफ हों, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे अनएम्प्लॉयड हों, चाहे एम्प्लॉयड हों, चाहे रिटायर्ड पर्सन हों, आप अपने स्किल, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के द्वारा इन जॉब वेबसाइट से जाकर अपने लिए काम उठाएं, उन काम को करें, पैसे कमाएं और अपने जीवन के स्तर को इम्प्रूव करें। दोस्तों, आज जिस वेबसाइट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है fiverr.com। इस वेबसाइट पे हर तरह के काम अवेलेबल हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हों, एक्सपीरियंस्ड हों, क्वालिफाइड हों, पढ़े लिखे हों, अनस्किल्ड हों या कम पढ़े लिखे अनस्किल्ड पर्सन हों। और आप सभी लोग इस पे से अपने लायक काम उठाकर और काम कर सकते हैं। मेरी तो सलाह ये है कि अगर आपके घर में 3-4 लोग हैं तो सबके बारे में एक लिस्ट बनाइए या देखिए कि कौन सा आदमी क्या क्वालिफाइड है, उसकी क्या स्किल है या वो क्या काम कर सकता है। इसी हिसाब से जो एक आदमी है वो जॉब बिड करे और उसे निगोशिएट करे और लाकर दूसरे को दे दे, दूसरा उसे पूरा करे और फिर उसे जो है वेबसाइट के थ्रू जो एम्प्लॉयर है उसको सबमिट करे और पैसा उसके खाते में आ जाए। इस तरह सभी लोग मिलके एक छोटा सा बिजनेस अपने लिए सेट कर सकते हैं, कुछ दोस्त मिलके अपने लिए बिजनेस सेट कर सकते हैं। ये विदाउट इन्वेस्टमेंट होगा और आप अपने लिए काम उठाकर और काम करके अपने काम को कंप्लीट करके अपने लिए एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। साथ ही पैसा, जब अगर आप हस्बैंड हैं और आप केवल जॉब उठाते हैं और जो काम करने वाले हैं वो आपकी वाइफ हैं और उनके खाते में पैसा आता है तो आपको टैक्स बेनिफिट भी होता है। तो मेरी सलाह है कि आप fiverr.com पे अपने आप को रजिस्टर करें और अपना प्रोफाइल बनाएं और वहां से पार्ट टाइम, फ्रीलांस और वर्क फ्रॉम होम
उठा काम उठाकर काम करें और अपने लिए एक अच्छी इनकम करें। दोस्तों, अब मैं आपको लिए चलता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, जहां पे हमारे कुलीग मिस्टर नितिन, जो कि रजिस्ट्रेशन वगैरह बताने के एक्सपर्ट हैं, वो आपको उस पे रजिस्ट्रेशन करना, प्रोफाइल बनाना, प्रोजेक्ट बिट करना, निगोशिएट करना, अपना बैंक अकाउंट लिंक करना, ये सारी जानकारी देंगे। तो ओवर टू मिस्टर नितिन। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। आज हम जिस वेबसाइट पे बात करेंगे वो है fiverr.com। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करके कैसे हम पार्ट टाइम जॉब काम उठा के कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे इस पे रजिस्ट्रेशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अपने क्रोम ब्राउजर पे अब चलते हैं। अपने क्रोम ब्राउजर पे आ गए हैं। अब एड्रेस बार में डालेंगे fiverr.com। ये fiverr.com की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो गई है मेरे ब्राउजर पे। यहाँ पे लिखा है फाइंड द परफेक्ट फ्रीलांसर फॉर सर्विस फॉर योर बिजनेस। यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो आके जो फ्रीलांस वर्क करते हैं उनको ढूंढते हैं और अपना काम कराते हैं, उनको पेमेंट करते हैं। और ये सब कुछ फाइबर के थ्रू ही होता है। तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको वेबसाइट का ओवरव्यू देते थे। ये देखिए, ये मार्केट है इसका। यहाँ पे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अगर आप कोई आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग वर्क, ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन, आप पॉडकास्ट, म्यूजिक, ऑडियो, प्रोग्रामिंग, टेक, बिजनेस, लाइफस्टाइल से रिलेटेड आपको अगर कुछ भी यहाँ चीज़ें अगर आती हैं तो आप अपना यहाँ पे जो स्किल्स है वो यहाँ पे आप फिल करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं, इस पे कैसे रजिस्टर करते हैं ये जान लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ज्वाइन नाउ का एक बटन है, इस पे ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे दो तीन तरीकों से यहाँ पे हम लोग लॉगिन ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे एक तो फेसबुक के थ्रू, फिर गूगल के थ्रू, और तीसरा है मैनुअली मेल के थ्रू। तो हम आज मैनुअली मेल के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ पे अपने पहले ईमेल आईडी फिल करने। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो आता है, यहाँ पे हमसे बोलता है कि आप अपना यूज़र नेम चूज़ कीजिए और अपना पासवर्ड डालिए। तो हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल देते हैं। तो ये मैंने जो यूज़र नेम डाला है यहाँ पे इसने ले लिया है। इसके डेटाबेस में और कोई ऐसा यूज़र नेम नहीं है, तो यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए आपका। तो हम यहाँ पे आके अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आप अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिएगा और पासवर्ड डालने के बाद ज्वाइन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्या नाम है, हम यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करते हैं तो आप यहां देखेंगे तो एक एक्टिवेशन अकाउंट के लिए जो हमारे मेल पे एक गया है कि आप अपनी मेल को एक्टिवेट करिए। तो आप अपनी ईमेल पे जाके इसकी मेल इनकी वेबसाइट से आपको मेल गई होगी, वहां पे एक्टिवेशन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी जो मेल को एक्टिव कर सकें। तो आइए हम अपना मेल जो है एक्टिव करते हैं। यह मैंने एक्टिव कर दिया है, एक्टिव के लिंक पे क्लिक कर दिया है। तो अब ये मेरा जो अकाउंट और मेरी ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। यहाँ पे देखेंगे आप एक्टिव सक्सेसफुली। तो अब हम यहाँ पे, यहाँ हमारा एक बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, अपने प्रोफाइल सेक्शन पे जाएंगे। हम यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन पे आ गए हैं और यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑप्शन इज बेस्ट डिस्क्राइब यू। यहाँ पे आप देखेंगे आप ओनर है बिजनेस के या फ्रीलांसर है, एम्प्लॉय है, वर्क एज अ एजेंसी, आई एम यूज फाइबर फॉर पर्सनल नीड्स। तो हम यहाँ पे फ्रीलांसर हैं तो फ्रीलांस के इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पूछा है विच इंडस्ट्री डज यू वर्क। तो आप यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर यहाँ पे आप अगर सर्च कर रहे हैं, आपको आपकी जो इंडस्ट्री है वो नहीं समझ में आ रही, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ अदर का एक है, आप अदर के इसको सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। यहाँ पे सेव हो गया है। अब यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पे आपसे कुछ डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन फिल कर दीजिए। यहाँ पे आपसे कुछ डिस्क्रिप्शन मांग रहा है आपके प्रोफाइल की, तो हम यहाँ पे थोड़ी डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालने के बाद अपडेट कर दीजिए। फिर यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है इंग्लिश बेसिक। आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके अपनी जो लैंग्वेज है वो कर लीजिए सेलेक्ट। और उसका लेवल पूछ रहा है कि आपका क्या लेवल है, वो लेवल डाल के आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। फिर यहाँ पे कुछ टेस्ट
टेकन है यहाँ पे, आपकी कुछ जो स्किल्स आप यहाँ पे डालेंगे उसके हिसाब से कुछ टेस्ट लेगा ये वेबसाइट, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड काम मिलने में आसानी होगी। और यहाँ थोड़ा सा और आप नीचे करेंगे तो आप यहाँ पे अपना फेसबुक के जो सोशल अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्किल्स अपने डालने के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ पे अपना क्लिक करके अपने स्किल्स यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि हम डेटा एंट्री का एक स्किल वो बना लेते हैं, या हमने डेटा एंट्री का स्किल एक सेलेक्ट कर लिया और उसका लेवल पूछ रहा है कि आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट हैं या एक्सपर्ट हैं, तो आप अपने लेवल के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे सजेशंस में और भी आ रहे हैं, टाइपिंग वर्क, तो आपकी टाइपिंग कैसी है, आप मतलब कि आपकी टाइपिंग जिस जैसी है आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पूछ रहा है तो आप वो भी सेलेक्ट कर लीजिए, और वर्ड के बारे में पूछ रहा है तो आप यहाँ से अपना जो स्किल्स है वो यहाँ पे एक एक आपको सजेशन में शो कर रहे हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे आपकी एजुकेशन पूछ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपनी एजुकेशन बताएंगे। तो हम पहले तो इसमें अपना कंट्री सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम डाल देंगे। ये यूनिवर्सिटी का नाम अभी आया है एंड यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया है। और यहाँ पे है कि आपने क्या किया है, मतलब ग्रेजुएशन कोर्स अगर आपने किया है तो इसमें से कौन सा किया है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो हिसाब से अपने हिसाब से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं तो ऐसे ही जनरली आपको डेमो के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप अपने अपने जो कोर्स किया है उसको वो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आपसे यहाँ पे नीचे पूछ रहा है कि आपने किस ईयर में अपना जो ग्रेजुएशन किया था, तो आप ये सब डाल के यहाँ पे सेव पे अगर क्लिक करेंगे तो आपका एजुकेशन सेलेक्ट हो गया। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा या कुछ भी चीज़ का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे आके उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो और आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है, तो हम दोबारा से स्क्रोल अप करते हैं, हम यहाँ पे आ गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम काम जो हमें मिलता है वो किस कैसे मिलता है, तो हमें यहाँ पे काम लेने के लिए हमको यहाँ पे अपने ना गिग्स क्रिएट करने पड़ते हैं। गिग्स का मतलब ये होता है कि एक एड अपने काम की एक एड बनानी पड़ती है जिससे कि आपको उससे काम मिल सके। तो आइए चलते हैं हम अपने यहाँ पे गिग्स बनाने के लिए। तो आप हम यहाँ पे अब अपना जो है क्रिएट करेंगे गिग, तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ न्यू गिग, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि आप अपना जो प्रोफाइल है उसको क्रिएट करने के लिए थोड़ा टाइम लीजिए और अच्छे से अपना उस पर काम करो, और फिर ऐड अकॉर्डिंगली बाय लिंक टू अवर योर रिलेटिव प्रोफेशनल नेटवर्क्स, जो आपके सोशल नेटवर्क्स हैं वो यहाँ पे एक्यूरेटली कनेक्ट करो और अपनी जो प्रोफेशनल है और स्किल्स है वो अच्छे से एक्यूरेटली यहाँ पे बताओ, जिससे कि आपको काम मिलने में आसानी हो सके। अपना यहाँ पे रियल फेस जो होगा अपनी प्रोफाइल वो यहाँ पे लगाइए, और टू कीप योर कम्युनिटी सिक्योर फॉर एवरी वन वी मे आस्क योर वेरीफाई योर आईडी, आपकी आईडी यहाँ पे वेरीफाई होगी, उसके बाद आपका गिग जो है पब्लिश हो जाएगा। तो आइए अपने कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। प्रोवाइडिंग एनी मिसलैंडिंग नवर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट यू, तो ये कुछ सिक्योरनेस के लिए बताया कि आप कुछ यहाँ पे अपना गलत चीज़ मत कीजिए और कोई डुप्लीकेट अकाउंट मत बनाइए, ये इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है, तो आप इस पर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो हमने यहाँ जो पहला जो पड़ाव था वो कंप्लीट कर दिया, और यहाँ पे अब दूसरा जो है क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल, तो हम यहाँ पे अपना सेलर प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करेंगे। अपना गिग क्रिएट करने से पहले सेलर प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करना मैंडेटरी है, तो हम यहाँ पर आएंगे, अब ये चीज़ें जो है फिल करेंगे। यहाँ पे नाम हमने अपना डाल दिया है, अब यहाँ पे अब प्रोफाइल पिक्चर डालनी है, प्रोफाइल पिक्चर भी हमारी ऐड हो गई है, डिस्क्रिप्शन हमने डाल ही दिया था और अपनी लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर ली थी, तो अब हम यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो योर ऑक्यूपेशंस में हम देखेंगे,
हमने यहाँ पे डेटा एंट्री का प्रोफाइल बनाना है, तो हम अदर पे आए, यहाँ पे डेटा एंट्री मिल गया हमें, उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अदर में आके आप डेटा एंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपने यहाँ पे अपनी स्किल्स जो है वो यहाँ पे डाल दी थी, और अभी भी सजेशन में हमको यहाँ पे स्किल्स जो हमारे शो कर रहे हैं। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट बारे में पूछ रहे हैं कि आपको कितना आता है, तो इसको ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे अगर आप पावर पॉइंट भी जानते हैं तो पावर पॉइंट को भी यहाँ पे ऐड कर लीजिए। इसी तरह से और भी चीज़ें यहाँ पे आ रही है, कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग भी आप जानते हैं, तो आप इसको भी ऐड कर लीजिए। तो आपको जितना जो भी एक्टिविटी, जितनी भी यहाँ पे स्किल्स आपको आते हैं, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का लेवल आपसे पूछ रहा है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। उस एक्सपीरियंस डाल के आप इसको अपडेट कर दीजिए। एजुकेशन हमने डाल ही दिया था, कुछ सर्टिफिकेशन हमारे पास अभी हम अपलोड नहीं करेंगे, आप बाद में डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे आपसे एक वेबसाइट का यूआरएल भी मांग रहे हैं, तो आप वेबसाइट का यूआरएल हम देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो बार बार हमें एरर दे रहा था वो इस चीज़ का दे रहा था कि हमने यहाँ पे ईयर जो है वो सेलेक्ट नहीं किया था। हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। अब यहाँ पे कोई हमें एक सोशल अकाउंट जो है वो सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है कि आप कनेक्ट करो अपने गूगल से, फेसबुक से और ट्विटर से। तो हम दिखाते हैं आपको कि गूगल से हम कैसे कनेक्ट करेंगे। हम अपना अकाउंट सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको अलाउ कर देंगे। तो ये जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो वेरीफाइड हो गया और कनेक्ट भी हो गया है। तो ये वैसे ही आप अपना फेसबुक भी इसी ब्राउज़र पे खोल के रखिएगा, ट्विटर भी खोल के रखिएगा, और उनको कनेक्ट करते जाइएगा। और अभी हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अभी हमारा ईमेल जो है वो तो वेरीफाई है, और अभी फ़ोन भी वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करके देखते हैं। तो हमें कह रहा है कि कनेक्ट योर सोशल नेटवर्क, फ़ोन नंबर करो और सर्टिफिकेशन दो और पर्सनल वेबसाइट दो, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हम उससे पहले चलते हैं, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे वेरीफाई करते हैं पहले। यह मैंने अपना वेरिफिकेशन कोड डाल दिया है और सबमिट कोड पे मैं क्लिक करूँगा। ये जो है हम क्या नाम है अपना, हमने प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें गिग्स बनाने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ पे अपना अब गिग बनाएंगे। अब ये गिग बनाने का प्रोसीजर है, तो हम इसके अंदर पहले अपना ओवरव्यू देंगे। तो हम चलिए हम डालते हैं चीज़ें, जैसे कि हमने यहाँ पे जो अपना गिग का टाइटल है वो डाल दिया है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लिए, और अपनी गिग को सर्च करने के लिए हम क्या क्या कीवर्ड्स डाल सकते हैं, तो हम वो अपने वो डालेंगे। जैसे डेटा एंट्री हो गया, फिर हम और डेटा लिखेंगे, तो यहाँ पे डेटा कलेक्शन हो गया। तो ऐसे ही करके हम बहुत सारे अपने जो भी हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि एम एस ऑफिस में हम काम कर सकते हैं। तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे डाल के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट पेज आएगा वहाँ पर हमसे जो है हमारे प्लान और पैकेजेस पूछेगा। हमें यहाँ पे प्लान और पैकेज बनाने हैं, तो वो कैसे बनेगा तो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास तीन टाइप के प्लान और पैकेजेस हैं, तो हम अभी इतना एडवांस नहीं जाएंगे, बेसिक पे रहेंगे। तो हम अभी सिर्फ बेसिक बेसिक डालेंगे कि हमारे पास सिंगल अभी है। तो यहाँ पर आपसे जो आपका प्लान का पैकेज का नाम है वो, और उसकी डिस्क्रिप्शन, और आप उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएंगे वो, और कितने जो आवर आप उस पर काम करेंगे, और यहाँ पर जो है आप उसकी फॉर्मेटिंग एंड क्लीनअप, और यहाँ पे लिखा है जो ग्रैप टोटल क्रिएशन, और कितनी बार रिवीजन करेंगे और उसका क्या चार्ज आप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें फिल करनी है, तो हम अभी फटाफट आपको फिल करके बता देते हैं। यहाँ पे मेरा जो बेसिक पेज का है उसका वो ये नाम है, और ये उसका डिस्क्रिप्शन है, आई विल डू कॉपी पेस्ट टाइपिंग PDF इमेज टू वर्ड एक्सेल डेटा माइनिंग वेब रिसर्च फाइल कन्वर्जेंस। अब इस इतने काम को हम करने में कितना टाइम लेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे हम बता देंगे कि हम इन सब काम में हमें कितना दिन लगेगा, फिर उसके बाद कितना वर्क घंटे लगेंगे। तो आप उतने घंटे इसमें बता दीजिए कि आप इतने में कितना घंटा काम करेंगे। फॉर्मेटिंग और क्लीनअप रहेगा,
और गैप्स, गैप और टेबल, ग्राफ और टेबल भी आप क्रिएट करके देंगे। आप कितनी बार इसको रिवाइज करेंगे, एक बार, दो बार, और आप इसका क्या चार्ज करेंगे। तो आप अपना यहाँ पे चार्ज जो डाल सेलेक्ट करके, और यहाँ पे अगर आपके कुछ गिग्स जो है, अगर आप कुछ एडिशनली यहाँ पे देना चाहते हैं कि आप एडिशनल चार्ज करेंगे और यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये करेंगे तो जैसे कि एडिशनल आर, अगर आपको एक्स्ट्रा, अगर आप वो आपसे एक्स्ट्रा अगर काम लेते हैं तो आप उस एक्स्ट्रा आर के कितना चार्ज करोगे। यहाँ पे लिखा है कि अगर आप फास्ट डिलीवरी करते हो तो आप कितना चार्ज करोगे, और अगर आप एडिशनल रिवीजन भी करते हैं तो आप कितना यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। और भी अगर कुछ आपकी कंडीशन है तो यहाँ पे ऐड करके डाल सकते हैं, बताए उसके आप सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है भर ली हैं। आप एक बार देखना चाहें तो आप देख सकते हैं अपने बेसिक का क्या पैकेज बनाया है, अब उस हिसाब से आप अपना पैकेज यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा जो तीसरी हमारी चीज़ है, आपसे बोल रहा है कि आप अपने फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं जो हमारा वो है गिग है, हम उसको एक ब्रीफ में बताएंगे। यहाँ पे एक मैटर मैंने बना के रखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे उसको उस तरीके से बता दिया है। तो आप भी अपना एक मैटर जो है वो रेडी करके रखना, जिससे कि आपको अच्छे से बना के तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे ब्रीफ के बाद पूछते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। तो जो एक कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बना के रखे हैं, और एक बार आप भी देख लीजिए। एक मैंने ये बना के रखा है, पैसे डालेंगे और यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और क्वेश्चन आंसर का वो खुला आएगा, एक इस तरह से, जिसमें कि आप और भी क्वेश्चन, मतलब आपके जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन से वो ऐड कर सकते। तो हमने यहाँ पे अपने फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन फिल्स कर लिए हैं, और अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट डालने के लिए कह रहा है कि आप अपनी एक रिक्वायरमेंट डालिए। सेव एंड कंटिन्यू पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमसे एक गैल एक फ़ोटो मांग रहा है, तो हम यहाँ पे एक फ़ोटो डाल देते हैं। हमने एक फ़ोटो यहाँ पे डाल दी है, जैसे कि यहाँ पे गिग की अगर उसके फ़ोटो है तो वो डाल दीजिए, वीडियो है तो डाल दीजिए, पीडीएफ है वो भी अटैच कर दीजिए। तो अभी इतना सब कुछ नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हमें और भी कुछ बातें कर। यू ऑलमोस्ट देयर, योर पब्लिश योर गिग एंड गेट सम बायर्स रोलिंग इन। तो हम पब्लिश गिग पे क्लिक करेंगे, तो हमारा इट इज़ लाइव, योर स्टडी प्रमोट योर गिग्स थ्री टाइम मोर लाइक ई टूज। यहाँ पे हम ये जो अपना गिग है यहाँ पे इसको हम फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे भी शेयर करें, तो जिससे कि हमारे कनेक्टेड लोगों को भी नज़र आए कि हमने यहाँ पे अपनी एक सर्विस शुरू की है, तो हमें वहाँ से भी इस पर काम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अपना गिग जो है पब्लिश कर दिया है। तो अभी हम यहाँ डैशबोर्ड पे वापस आएंगे। ये हमारा डैशबोर्ड है, हमने सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर दी हैं, तो हमारे यहाँ 100% हो गया है। ये मैसेज का सेक्शन है, अगर हमें यहाँ पे कोई मैसेज आता है काम के लिए तो यहाँ पे शो होगा, और हमारा कोई काम होगा जो हमारा ऑर्डर होगा वो यहाँ पर आएगा, और जो हमारे गिग्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। जैसे कि हमने अभी एक गिग डाला है, ये जो है हमने यहाँ एक गिग डाला है। आप इनको मल्टीपल गिग्स यहाँ पे डालते रहिए अपने स्किल्स के हिसाब से। यहाँ पे एनालिटिक है, यहाँ पे आपकी अर्निंग का जो होगा वो यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे आपकी अर्निंग्स शो होंगी, और यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफ़र टू बैंक। तो आप यहाँ पे आपके पास एक इस पे कोड जाएगा, उस कोड को सबमिट करके, जैसे कि यहाँ पर मेरे पे कोड आ चुका है मेरे फ़ोन पे, मैं भी डाल के आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आगे का क्या प्रोसीजर है। तो मैंने कोड डाल दिया है, बस क्लिक करेंगे। थैंक यू फॉर वेरीफाइंग योर फ़ोन नंबर, विल यू सेंड योर ईमेल इन फ्यूचर इंस्ट्रक्शंस। ये इसकी इंस्ट्रक्शंस जो बैंक में ट्रांसफ़र की इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेरी मेल पे अभी आ जाएंगी, तो प्लीज़ चेक योर ईमेल, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर भी वो मैसेज आ गया है, तो आप ये देखिए यहाँ पे CSV हम अपनी अर्निंग की सब कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे एक कम्युनिटी भी है, यहाँ पे हम कम्युनिटी पे आते हैं। जैसे कम्युनिटी पे इवेंट, ब्लॉग्स और फॉर्म्स, ब्रॉडकास्ट वगैरह बहुत कुछ चीज़ें पड़ी हैं, हम और पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे भी और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो यहाँ पे स्विच बाइंग है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कर दी। जैसे हम काम कर लेंगे तो हमें यहाँ पे विड्रॉल्स के ऑप्शंस भी नज़र आएंगे। जब हमारे भी अकाउंट में हम कुछ काम करके अमाउंट हमारे यहाँ क्रिएट होगा तो हम उसके, अब हमारे साथ बने रहिए, हम इस पर काम करेंगे। काम करने के बाद जो हमारी अर्निंग होगी वो कैसे हम इसमें विड्रॉल करेंगे तब हम आपको इसमें दिखा देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। आज हमने जाना कि फाइबर पे कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे प्रोफाइल बनाते हैं और कैसे अपना गिग क्रिएट करते हैं, जिस गिग को क्रिएट करके आप काम उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मिस्टर नितिन द्वारा बताए हुए रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस, प्रोजेक्ट बिडिंग, नेगोशिएशन, अकाउंट लिंकिंग, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, हम उसका जवाब आपको अवश्य देंगे एक नया वीडियो बनाकर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ये लिखकर भेजें कि आपको ये क्यों पसंद पड़ा और इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप, हमें उम्मीद है कि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने। अगर नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो टाइम पे मिलता रहे और सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपकी पूरी मदद करेगी और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस वीडियो के द्वारा लाभ उठा सकते हैं और वो आपकी जानकारी में हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ पहुंच सके, क्योंकि यही हमारा एकमात्र मकसद है कि सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल सके, वो काम कर सकें, उनका लिविंग स्टैंडर्ड एंड ईज ऑफ लाइफ अच्छा हो सके।